लेट्स टेक ए लोड ऑफ क्वेश्चंस, जैसे कि 245। तो इसमें ध्यान से पढ़ने की बात ये थी कि एक तो वर्टिकल एक्सिस है, मतलब कि एक्सिस वर्टिकल हो गई तो ग्रेविटी ऐसे लग रही है, ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक है। अ कॉन्स्टेंट फोर्स एफ विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ओरिजिनल पोजिशन, मतलब ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रॉड नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात थी इसमें कि ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रॉड नहीं है, मतलब घूमते हुए जब रॉड यहाँ पहुँच जाएगी तब भी ये इस डायरेक्शन में लग रहा था तो आज भी इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा, राइट। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ इट्स रोटेशन एंगल फाई। तो एंगुलर वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ रोटेशन एंगल फाई पूछा गया है, बट टाइम नहीं पूछा, फाई के रेस्पेक्ट में पूछा है, ठीक है। लेट्स सी, तो किसी टाइम पे यदि हम देखेंगे चित्र रोड का, तो चित्र ऐसा बनेगा और इस पर ये एक फोर्स एफ लग रहा होगा और ये ओरिजिनल से एंगल फाई घूम चुकी है, तो ये फाइव या 90 माइनस फाइव, और ये एंगल आप देखना चाहें तो ये फाइव, ठीक है। तो यदि टॉर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है तो उससे भी लिख सकते हैं इस मोमेंट पे कि भाई टॉर्क कितना है, तो टॉर्क हो जाएगा एफ कॉस फाइव, यही होगा फोर्स परपेंडिकुलर इनटू एल, दिस इज द टॉर्क एट एनी गिवन मोमेंट which is equal to moment of inertia about and ml square by 3 into alpha, right? अब alpha को लिखने का एक जुगाड़ और है, d, इसको हम या तो लिख सकते हैं d omega by dt या इसको लिख सकते हैं omega d omega by d phi, ये वी डी वी बाय डी एस का आइडिया, वी डी वी बाय डी एस अपन ने सीखा था ना, वही चीज है, राइट। तो यदि ऐसे लिख देंगे तो प्रॉब्लम खड़ाक से सॉल्व हो जाएगी, एफ एल कॉस फाइव इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय थ्री ओमेगा डी ओमेगा बाय डी फाइव, इंटीग्रेट कर लीजिए इसको, बहुत आसान सा सवाल है, एफ थ्री एफ बाय एम कॉस फाइव डी फाइव इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा, इंटीग्रेट, फाइव का इनिशियल वैल्यू जीरो था, अब ये फाइव हो गया किसी समय पे जीरो से ओमेगा चला गया, सो थ्री एफ बाय एम साइन फाइव माइनस जीरो इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाय टू माइनस जीरो, हेंस ओमेगा इज इक्वल टू सिक्स एफ साइन फाइव अपॉन एम, एक एल भी था यार यहाँ कहीं पर, मैं एक एल खा गया उसे, right? So that's all. Very, very easy. चलिए next आते हैं हम लोग 249। ये मुश्किल है आपसे हुआ होगा क्योंकि इसको भी बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। This is one of the rare questions जो लोग कर पाते हैं, because वो most of the time समझ नहीं पाते हैं arrangement है क्या, right? तो इसका भी सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ, आप चाहें तो पॉज कर लीजिए, वीडियो मत देखिए, आगे शाम तक अटेम्प्ट कर लीजिए ये दोनों सवालों को और फिर देख लीजिएगा, ओके।
वहाँ जो लिखा हुआ है उसको बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आई स्पिन टू एंगल वेलोसिटी ओमेगा एंड देन केयरफुली प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब ये केयरफुली प्लेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऐसे नहीं करिए, क्योंकि ऐसे करेंगे तो आगे जाके अपन पढ़ेंगे एक्चुअली वो स्टॉप ही नहीं हो सकती, राइट। इसने पूछा है कि हाउ लॉन्ग विल द डिस्क बी रोटेटिंग ऑन सरफेस इफ द फ्रिक्शन इज इक्वल टू के। तो द ओनली वे दैट इज पॉसिबल इज आपने एक्चुअली इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही रख दिया है, के मतलब ग्रेविटी इज एक्टिंग लाइक दिस, और इसको ऐसे ओमेगा नॉट से रोटेट करके ऐसे प्लेन में रख दिया। दैट इज द रीजन उसने हिंट भी दिया है, द प्रेशर एग्जर्ट बाय द डिस्क ऑन द सरफेस कैन बी रिगार्डेड एज यूनिफॉर्म। यदि एक ही पॉइंट पे होता तो यूनिफॉर्म का क्या मतलब, यूनिफॉर्म तो तभी होगा ना जब यहाँ 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 सब चीज़ें सरफेस के कॉन्टैक्ट में, समझ रहे, डिस्क को घुमा के एज इन ऐसे रख दिया ऐसे। अब ये सवाल बनता है इंटरेस्ट, ओके, नॉर्मल का डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह यूनिफॉर्म इन्होंने दे दिया, तो अब ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सॉल्व, यदि मैं एक रिंग ले लूं, राइट, डी एक्स विड्थ की, तो इस रिंग के ऊपर फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा होगा टेंजेंशियली जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। रिंग क्यों ले रहा हूं, क्योंकि सबके लिए दूरी अलग अलग होगी, टॉर्क अलग, इसलिए रिंग लेनी पड़ रही है। ये ऐसे घूम रही है तो अपोजिट सेंस में ठीक है, जहां पे भी आप देखेंगे अपोजिट सेंस है, रिंग तो यूं घूम रही है, तो ऐसे फ्रिक्शन के फोर्सेस लगेंगे जिनका टॉर्क यदि हम इस रिंग पे लिखना चाहें तो इजीली लिख सकते। हमने कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन को के दिया है, तो मैं के यूज कर लेता हूं, के फ्रिक्शन का फोर्स हो जाएगा एम बाय पाई आर स्क्वायर मास पर नेट एरिया इन टू टू पाई एक्स डी एक्स म्यू एन, अभी एम आया है जी, ये तो फोर्स लग रहा होगा टेंजेंशियली, मल्टीप्लाई दैट बाय एक्स वुड गिव यू डी टाउ। देख लीजिएगा ये हो गया आपका म्यू डी एन, टेंजेंशियली लग रहा है तो सब जगह से जुड़ के एक्स, इसको कर दीजिए आप इंटीग्रेट तो टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन आ जाए। राइट, सो क्या आ जाएगा, टू एम के बाय आर स्क्वायर जी, ये सब तो इंटीग्रल के बाहर आ गए, राइट, और ये हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल जीरो से आर, सो दैट वुड बी आर क्यूब बाय थ्री, दिस मस्ट बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय टू अल्फा, वो भी अपोजिट सेंस में अल्फा माइनस ये लिखता है, राइट, आई अल्फा के बराबर कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है जी।
चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, 251। ये यूनिफॉर्म सिलेंडर रेडियस आर मास एम कैन रोटेट, ये पुली है बेसिकली, इस पे जो कॉर्ड दी गई है ना उसका मास है और फिलहाल एक्स लटका हुआ है नीचे, और एक असम्पशन दे रखा है वाउंड पार्ट ऑफ द कॉर्ड इज सपोज टू हैव इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑन सिलेंडर्स एक्सिस, मतलब जो बचा हुआ पार्ट यहाँ पर है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल रहा है कि आप यही मान लें। तो 251 ये बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल है, बहुत ज्यादा अच्छा इनफैक्ट। इसको अलग अलग तरह से आप अटेम्प्ट करके भेजें और फिर सॉल्यूशन देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनफैक्ट मुझे लग रहा है मैं इसका सॉल्यूशन नहीं देता, ऑलराइट, अगली क्लास के लिए रख लेता हूँ इसका सॉल्यूशन। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, यू शुड अटेम्प्ट इट एंड सेंड मी सॉल्यूशंस बाय संडे, राइट, संडे नहीं आज फ्राइडे ना, बाय टुमारो, ताकि मैं इसकी रिकॉर्डिंग में 251 का सॉल्यूशन डाल दूँगा।